सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आज मैं जीविका शोध एवं अध्ययन आश्रम में हूँ जबलपुर में, और यहाँ पर हमारे आशीष भाई हैं जिनके द्वारा पूरा प्रकल्प यहाँ पे किया गया है गुरुदेव के मार्गदर्शन में, गुरु जी के मार्गदर्शन में, रविंद्र शर्मा जी के मार्गदर्शन में। लेकिन नाम तो हम आशीष भाई का लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो नारी शक्ति है वो उनकी पत्नी, हम भाभी जी के नाम से जानते हैं इसलिए नाम नहीं पता, इसलिए तो भाभी जी जो है वो बहुत बड़ी शक्ति रही हैं। तो नाम आशीष भाई का है लेकिन काम उनका है, हमें पता है, अब देख रहे हैं दो दिन से। तो अब हम जानना चाहेंगे कि जो देश की जो महिलाएं हैं, यहाँ पर ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे मतलब खतरनाक वातावरण में भाभी जी को डाल दिया है आशीष भाई ने। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कैसे उन्होंने, यहाँ टाइम पास कैसे होता है, देश की महिलाओं को हमें बताना है ये बात कि ऐसी जगह पे आने के बाद जब कुछ भी सुविधाएं नहीं है तो सुख से कैसे रह लेते हैं। तो वो सुधा और सुख का अंतर हम समझना चाहते हैं। मैंने व्यंग्यात्मक रूप स्वरूप में ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आशीष भाई साथ में बैठे हैं और भाभी जी इसका उत्तर दें। तो हम बात करते हैं भाभी जी से। टाइम पास के लिए समय क्या है, घर यहाँ तो इतना लोगों का आना जाना और विजिटर्स जितने आते हैं तो टाइम कम पड़ता है, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, यहाँ तो टाइम कम पड़ जाता है। तो टीवी वगैरह तो ऐसा है कि हम लोग पहले से ही नहीं देखते थे, लगभग 10 सालों से मुझे नहीं याद है कि मैंने टीवी में बहुत ज़्यादा कुछ देखा हो। अच्छा, तो टीवी की आदत तो पहले से ही नहीं थी। और वॉशिंग मशीन का या फ्रिज की जो बात है, वो तो फ्रिज का यूज़ पहले तो सभी लोग करते ही थे, हम लोग भी करते ही थे यहाँ आने से पहले। जी, यहाँ आने के बाद पता चला कि फ्रिज नहीं होने से कितनी सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। तो फ्रिज होने से अच्छा, कितनी सारी गड़बड़ियाँ रहती हैं घर में। यहाँ से स्वास्थ्य मेरा बहुत कुछ पहले से ठीक हुआ है। अच्छा, मुझे थायराइड था, तो यहाँ के एनवायरनमेंट से या खान पान से वो सबसे मेरी जो बीमारियाँ थी वो ठीक हुई हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और भाई, बाकी ये जो पागलपन आशीष भाई ने किया आपको वहाँ जबलपुर से निकाल के यहाँ लाए, तो ये कुछ पागलों की फौज इस देश में खड़ी हो गई है, तो ये इस पागलपन को कितना देर में स्वीकार करने में आपको लगा? ये तो बहुत कठिन सवाल है मेरे लिए। लेकिन शुरू में दिक्कत तो हुई होगी, शुरू में विरोध भी रहा होगा, धीरे धीरे ये सब हुआ ना। हमारी शादी को 15 साल हुए, तो ये धीरे 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 कुछ आश्रमों में जाके ले जाया गया। जैसे पहले गुरुजी से परिचित हुए, वहाँ आदिलाबाद रहे, महीनों रहे, फिर और भी कुछ ऐसे जगह, 2-3 जगह गए हम लोग। तो ऐसे धीरे धीरे उसकी मतलब देखा समझा उसको कि किस तरह से होता है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ आने का डिसीजन लिए कि हाँ चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये आशीष भाई, आपको ये जो लगा कि आपको क्या लगता है कि भाभी जी के साथ के बिना ये कर पाते आपसे? नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो कहाँ संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो देश की जो ये आवाज़ में मेरे प्रश्न है, नहीं, देश के बहुत सारे मतलब जो पति हैं जिनकी पत्नियां या पत्नी इस विचार में है लेकिन पति साथ नहीं देते, तो वो जो एक सामंजस्य नहीं बैठ पाता। तो मैं आप लोगों से क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों एक उदाहरण है कि जो एक सामंजस्य आपस में बिठाकर इतनी बड़ी व्यवस्था को आपने गुरुजी के विचारों को और सबको करने के लिए काम किया, इसके लिए है। तो इसके सबसे बड़ी एक ऐसी अभी जैसे बच्चा है, उसकी पढ़ाई वगैरह के विषय में आपने क्या वो लिया है कि वो जबलपुर में शहर में पढ़ती थी, अब गांव के स्कूल में शायद पढ़ रही है वो, गांव के स्कूल में पढ़ रही है। तो क्या उसकी तरफ से, क्या बच्ची की तरफ से क्या आपको लगता है कि एक्सेप्ट कर पाती है एकदम से? अभी तो वो बच्ची बहुत छोटी है, हाँ, तो उसको इतना सोच तो है नहीं कि मुझे क्या कहाँ कैसे रहना है क्या करना है। जैसा ढाल देंगे वैसा ढल जाएगी, क्योंकि वो जब हम लोग यहाँ आए थे तो वो LKG में थी। अच्छा, तो वो बहुत छोटी थी, तो उसको तो इतने सोचने समझने की अभी शक्ति नहीं थी। अब वो ऐसी जगह रह रही है तो मुझे लगता है कि वो ऐसा ही आगे भी चाहेगी कि ऐसे ही खुले वातावरण में रहने की उसकी आदत भी हो जाएगी। नहीं, अभी भी वो कंपैरिजन देखती है तो उसको अच्छा यही लगता है। उसे पूछते हैं कि जबलपुर जाना है या चाचा चाची तो है ही, है ना, छोटे चाचा चाची के लड़के बच्चे हैं, उनके हिसाब से अपने छोटे भाई के लड़के बच्चे, तो कंपैरिजन होता है, तो वो यही बोलती है नहीं यही रहना है, अच्छा लगता है। तो कभी और देखिए, मैं बताऊं वीरेंद्र, बहुत जबरदस्त चीज है कि वन स्टेप एट अ टाइम वाला जो बात है ना, बहुत लंबा चौड़ा सोचना नहीं चाहिए,
बहुत प्लानिंग। हाँ बहुत, मतलब एक गुरुजी भी बहुत बोलते थे कि जिस समय तुम्हारे मन में कोई विचार आया वही मुहूर्त है, मुहूर्त है उस, उतना शुभ विचार किसी आया है तो उस मुहूर्त से कम है क्या वो, इस आपके मन में कोंधा है तो वो शुरू कर देना चाहिए, तो वो कर दिया। ये ऐसा नहीं था कि ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये नहीं करेंगे, ऐसा होगा ये करेंगे, करते जा रहे हैं। ये सब प्रयोग के तौर पे चालू किया था, जब हमने चालू भी किया था तब ये बात बोल गया कि चलो देखते हैं, एक साल रह के देखते हैं, दो साल रह के देखते हैं। अब वो रहते रहते पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा किस तरह। पहले तो यहाँ जंगल ही था, 30 किलोमीटर दूर है जबलपुर से। हाँ जबलपुर से दूर है, गाँव से भी दूर है, ये गाँव से भी दूर है, गाँव में भी नहीं है, मतलब गाँव में भी अब हो तो गाँव में भी कोई नहीं है। वो थोड़ी सी चीज रहती है कि किस तरह से होगा, लेकिन ये सब प्रयोग के तौर पर होता है। ऐसी स्कूलिंग के बारे में है, प्रयोगात्मक हम आजकल नहीं हो गए। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि अपनी ज़िंदगी के साथ प्रयोग करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। सारा कुछ जो भय का माहौल जो पूरी आधुनिकता के द्वारा क्रिएट किया हुआ है, नौकरी है दुकान हाँ, है, मतलब कुछ ये है तो ये बढ़िया। अरे मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे लोग हैं, 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज है, 40-40 लाख का पैकेज, 50-50 लाख का पैकेज है। अब उनको इस चीज़ की फीलिंग है कि ये छूट जाएगा तो क्या, अरे 1 करोड़ का पैकेज तुम किसी कुबत पे तो पहुंचे होगे, मतलब कुछ तो होगी तुम्हारे अंदर की, तुम 1 करोड़ के पैकेट में, 1 करोड़ नहीं मिलेगा 80 लाख मिलेगा, 80 लाख नहीं मिलेगा, जरूरत पड़ी तो छोड़, प्रयोग तो करके देखो। लेकिन वो प्रयोग का पूरा वही चला गया है, करके तो देखो यार एक बार, कंफर्ट जोन से निकलना है, कंफर्ट जोन से निकलना, भले वो कंफर्ट नहीं है उसमें। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ तुमको, यहाँ आने वाले लगभग 99% लोग है ना, 90-99% जो थोड़े से भी थॉट प्रोवोकिंग, एक होते हैं टूरिस्ट टाइप के आते हैं, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया ये, जो थोड़ा सा जिनके दिमाग में असर करता है, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग, उनका ये कहना होता है, इवन टूरिस्ट वाले लोगों का भी, और ऐसे सब लोगों को 99% की बात कर रहा हूँ मैं, कि यार आशीष भाई दो जो 60-65 के आसपास की उम्र के रहते हैं, 55-60, ऐसा मैं बनाना चाहता था, ऐसा मेरी भी बहुत सोच थी। और जो 40 के नीचे वाले रहते हैं, 40 के नीचे वाले, ऐसा मैं करूँगा ना, वो करूंगा वाले में होता है, वर्तमान में कोई नहीं है, यार भाई करो ना, किसने रोका सबको। तो ये बड़ी, मतलब बहुत ये देख रहा हूं मैं, ये किसी की व्यंग नहीं है, मैं समझ बिल्कुल ठीक है। हम जिस तरह में फंसे हुए उस चक्र में, उस चीज को, चक्र को समझने की जरूरत है कि यार करना है तो करो, उसमें 60 की उम्र क्या है और 40 की उम्र क्या है। मैं रागनी के एक नाना जी थे, मतलब बहुत लोग पारिवारिक रूप में बहुत ज्यादा वो होता है, नाना जी जरूर वही मैं पूछने वाला था अगला, अभी अभी वो शांत हुए, उन्होंने मेरे ख्याल से कितना 70 की उम्र में उन्होंने वो, बल्कि और क्यों बनाना शुरू, कब शुरू किया, 80 की उम्र में ना धर्मशाला बनाने हो चुके थे, तब उन्होंने अपने वृंदावन में एक धर्मशाला बनानी शुरू की। अच्छा। कि नहीं मैं धर्मशाला में रहूंगा, फिर वो 7-8 साल वहाँ रहे, 87 में गए, मतलब 5-6 साल में गए वो, तो 80 से शुरू किया और 86-87 में गए। तो बाकी सब लोगों को मैं बोलता हूँ कि यार ये करना ही है, इस तरह के कोई भी सामाजिक काम है, धर्मशाला बनाना है आपको, अपने उससे करना है, प्रयोग करना है, तो वो जवानी में करो ना, 80 साल की उम्र का वेट क्यों करना है उसकी, उस समय की वेट क्या करना है, जब आपके पास पूरी ऊर्जा है उस चीज को, आप अब वो तो मतलब आपकी ऊर्जा एकदम क्षीण होने वाले स्टेज में पहुंच गए हो, तब जाके आप ये सब करो। मैं तो 60 की बात भी बोल रहा हूँ, लोग ऊर्जा कहाँ बचती है, नहीं बचती है। तो यदि कुछ करना है, कुछ ये है, तो कंस्ट्रक्टिव उसमें करो, जिसमें आप उसको फुल टाइम दे सको, मतलब फुल एनर्जी दे सको, टाइम से ज़्यादा एनर्जी दे सको, पूरी ऊर्जा दे सको। तो ये उसी सब चीज़ों से लेके शुरू किया वो प्रयास है। अब वो धीरे धीरे, और हमने ये बिल्कुल भी जो जिस तरह की लोगों की कल्पना हो रही है, ये देख के लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। ये प्रयोग की, चलो देखेंगे एक साल जाके, पहले तो चलो 2 महीने जाके आते हैं जबलपुर से, आके जाके ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, घर बनाया है जबलपुर से आके अप डाउन करेंगे, आधे अभी स्कूल की बात होती है कि आधे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, भाई 4-5 चीज़ें हैं, या तो उसको अच्छा लग रहा होगा तो यहाँ पढ़ेगी, या ज़्यादा अच्छा हमको लग रहा होगा, अच्छा उसको तो लग रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तो हम स्कूल से ही निकाल देंगे उसको, यही ये लर्निंग कम है कि इतने सारे लोगों से मिलना, इतने लोगों से जानना, ये करना। और उसके बाद भी लग रहा है नहीं, उसको लग रहा है कि बाकी लोगों के पेयर कॉम्पिटिशन से इससे कि नहीं स्कूल पढ़ना है, तो भाई स्कूल यहाँ से बस से जा सकती है, 30-35 किलोमीटर बड़ी दूर नहीं है, हम जाके अप डाउन कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, या हम में से कोई एक जाके वहाँ रह लेगा, या वो अपने चाचा चाची के साथ जाके वहाँ रह लेगी, बाकी बच्चों के साथ। ऑप्शन खुला रखा आपने, ओपन एंडेड है एक तरह से। प्रयोग के रूप में जब जाओ कुछ भी चीज, आप लकीर के फकीर हो गए कि नहीं हम यही करेंगे, जो अभी कल बात कर रहा था ना वो, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, तो वो लकीर के फकीर आप हो गए, तो वो फिर मामला उलझ जाता है, गड़बड़ जाता है। प्रयोग करके देखेंगे जो जी चीज है। अब हमारे पास क्या है, सारे समाज के पास में अभी विकल्पों की बहुत, मतलब कमी है,
कुछ भी समझ में नहीं, रेडीमेड विकल्प तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं। कोई कहता है मैं बच्चे को ये करना चाहूँ, बहुत लोग आते हैं बिल्कुल कि भाई साहब बताइए अब मैं क्या करूँ। अरे वो साल दो साल वाले विकल्प नहीं है, वो तो पूरी जिंदगी देने वाली चीज है। और ये विकल्प किसी ना किसी को तो खोजने पड़ेंगे ना, किसी ना किसी को तो उसके मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सही बात है। तो वो जो हमारे बीच में से लोग नहीं आएंगे तो वो मुश्किल होती है। तो आपका स्वास्थ्य के रूप में आपने बताया कि क्या लाभ हुए आपको, और इसके अलावा क्या आपको महसूस हुआ नींद आने में या और भी कई प्रकार की चीजों में क्या लाभ मिला? नींद तो ठीक थी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी पिछले 10 साल। अच्छा, 10 साल हो। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ आने के बाद टैबलेट तो उसमें तो सुबह ही खाली पेट लेने ही पड़ता है। 10 साल से ले ही रही थी, फिर यहाँ आए कुछ 6-8 महीने बाद मैं एक बंद करके देखती हूँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेंधा नमक यूज कर रहे हैं और फ्रिज है ही नहीं, जैसा कि पता है आपको। सरसों का तेल भी मार्केट वाला नहीं, घानी में जो होता है वो वाला लेके आ रहे हैं। खाना भी मैंने बंद किया और 1 साल तक चेक भी करती रही हर 2 महीने में 3 महीने, तो देखा कि वो पॉजिटिव मतलब रेंज में आ गया वो, बिना दवाई के। तो इससे बढ़िया चीज़ क्या है? उसके बाद फिर मैंने अभी 2-3 साल से बंद है, क्योंकि 3 साल तक आए हुए ही हुए। बच्ची को लेकर बहुत डराया गया था उस समय, तो जब हम लोग आए थे 4 साल पहले तो और भी छोटी थी ना, 3 साल की। हाँ, 3 साल की थी तो 3 साल 2.5 साल पौने 3 साल के आसपास की थी। बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, ये हाइजीन वो हाइजीन, ऐसा दिक्कत वैसा दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता। वो लोगों को ये पता नहीं क्यों ये डरा डरा के ये चीज़ किया जाता है, लोग प्रयोग भी नहीं करते। तो यहाँ का पूरा जो बनाने का खर्च वगैरह सब आप अपने उससे लगा रहे हैं? देखिए ये देखने में तो ग्रैंडियर लगता है, फ्रेंकली बताऊँ मैं आपको। मैं जब अपनी नौकरी में था तो सौभाग्य से जो जैसा सब लोग वो करते हैं लोन वोन लेके करके, एक जमाने में पुराने अवतार में मैंने एक फ्लैट जबलपुर में खरीद लिया था। अच्छा। ये फ्लैट के खर्चे उसको बेच के इतना सारा कुछ हो रहा है, एक फ्लैट के बदले यहाँ 10-12 फ्लैट के आसपास का मामला तैयार हुआ। बिल्कुल। क्योंकि क्या है, इसकी 2-3 चीजें देखनी होगी। सारा मटेरियल यहाँ लोकल मटेरियल है, बांस यहीं के हैं, मिट्टी यहीं की है, पत्थर के हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, वो सारे यहीं के हैं लोकल ही। फिर उसके बाद ईंट ब्रिक्स जो है यहीं बनती है, खपरे हमने जितने इस्तेमाल किए हैं, जो कबेलू इस्तेमाल किए हैं वो सेकेंड हैंड है, लकड़ी जितनी आ रही है वो सेकेंड हैंड है, जितने दरवाजे हैं वो सेकेंड हैंड है। तो मेजर कॉस्ट यहाँ की जो होती है किसी भी आजकल कंस्ट्रक्शन में होती है, 3 तरह की मेजर कॉस्ट है। बेसिक फ्रेमवर्क बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ कॉस्ट होती है, बेसिक कॉस्ट होती है एक तो स्लैब की कॉस्ट, वो 20-30% के आसपास वो होती है। 20-30% के आसपास की कॉस्ट जो है वो आपकी फ्लोरिंग की होती है, मार्बल लगाओ टाइल्स लगाओ ये करो जो भी आपको करना है। एंड 30% के आसपास की, मतलब मेरा जो रफ एस्टिमेट है, हो सके मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन लगभग 20-25% के आसपास की ये जो ऊपर का जो इंटीरियर वगैरह जो कराते हैं, ये नल होना है वो नल होना है, ये इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होना है वो होना है, यहाँ ये तीनों कॉस्ट नहीं है। यहाँ सजावट अलग से नहीं है, जो आप कर रहे हो जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वही सजावट लग रहा है। छत आपकी पूरी कबेलू वाली है जो सेकेंड हैंड मटेरियल से लेके आई है, जो आपको 100-150 रुपए स्क्वायर फुट पड़ता है जो स्लैब डालना। हाँ, ये जैसी है तो ये हमको 10-20 रुपए स्क्वायर फुट पड़ रही है, कहाँ 200 रुपए कहाँ 10-20 रुपए, मतलब 1/10 में। फ्लोरिंग में कुछ कॉस्ट ही नहीं है, मिट्टी है यहीं की, खोद यहीं लगाओ, गोबर आपकी गाय है, गोबर आपने किया हुआ है। तो ये देखने में बड़ा ग्रैंडियर लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे की जो सोच है ये है, लेकिन खर्च के हिसाब से वो एक फ्लैट का खर्च बता रहा हूँ मैं आपको, समझ गया, एक फ्लैट। बाकी जो रनिंग वाला चीज़ है खर्चे होते हैं, लेकिन वो समाज हमारे सब बेयर करता है, वो लोग जो आते हैं अपने मन से कंट्रीब्यूट करके जाते हैं। लोग अगर कोई जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि किसी अच्छे कॉज के लिए वो उनके पास है डोनेट करने का या कुछ, तो क्या आप उस तरह का भी कुछ मतलब देखिए, लेकिन अगर चाहे देना तो आप मुझे पता आप गुरु जी के हिसाब से अभी इस प्रकार की चीज़ का आह्वान नहीं करते, लेकिन फिर भी नहीं, उसके पीछे भी सोच है अपनी, मतलब सोच क्या, वो भी गुरु जी के माध्यम से कुछ सोच पाने लायक बने हुए हैं। क्या है आजकल दुर्भाग्य से जो डोनेशन भी हो गई है वो उसके भी पीछे कुछ कारण है सब लोगों के। सही है। तो वो उसके जब किसी भी तरह का कोई आप बृहद काम करें समाज के वजह उसमें बृहद काम करने का कोशिश करते हैं तो आपको साधन शुद्धि बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो साधन किस नियत से वो दान दिया जा रहा है,
किस दृष्टि से वो नियत मतलब उस नेगेटिव सेंस में नहीं बचाने के लिए दिया जा रहा है, टैक्स को बचाने के लिए जा रहा है, अपनी अपनी बड़बड़ी दिखाने के लिए दिया जा रहा है कि मैंने इतना दिया, मैंने उतना किया, ये किया, या ब्लैक मनी, या ऐसा समझ के अरे बेचारे लोग कुछ कर रहे हैं, देखो कुछ भी नहीं है, कुछ तो वो है, या फिर उस काम की महत्वता को समझ के दिया जा रहा है। उस काम की मतलब महत्वता को, समाज में उस काम की क्या जरूरत है, क्या महत्वता है, उसके आधार पर दिया जा रहा है। ये पूरे वेरिएशन देने में भी बहुत, जैसे गुरु जी बात करते थे कि दान दक्षिणा मान मर्यादा, ये सब अलग अलग चीजें हुआ करती है। तो वो दान के रूप में आ रहा है, दक्षिणा के रूप में आ रहा है, क्या उसके पीछे की भावना है, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो बजाय कि दूसरा व्यक्ति हमको सुपात्रता का हमें साबित करे, तो अपनी सुपात्रता साबित करके हम तू हमें दे सकता है, साबित करने कराने वाली बात नहीं होती है कि नहीं हम ले सकते हैं, कोई साबित करे, ये तो भावनाओं की चीज है यार। दिल जुड़ते हैं, तार जुड़ते हैं, तो अपने मतलब इसमें साबित करने, और हमारे पास ऐसी पात्रता हो कि भाई हम उसको मतलब या उतनी एलिजिबिलिटी हो कि हम भाई उसको सुपात्र को ढूंढ सके, वो भी नहीं है। बिल्कुल, ये तार जुड़ने की बात है, दिल जुड़ने की बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये नहीं होना है, नहीं होना है, क्योंकि है तो समाज के द्वारा ही, ये तो हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, उसका सपोर्ट तो पूरे समाज की तरह से होना ही है। बहुत आपका अच्छा मार्गदर्शन, सब जो लोग, बहुत सारे लोग हैं, वही आपने जो बात कही, मैं भी हरिद्वार गया तो मैं कहता हूँ मटकी में आने से अच्छा कि मैं पहले खुद ही चला जाऊँ तो मैं भी मजाक मजाक में बोल देता हूँ, तो वही आपने कहा कि भाई 60 का वेट करें, वो कहता मैं ऐसा करना चाहता था, और 30 वाला कहता मैं करना चाहता हूँ, तो हो नहीं पाता कभी, जब ठीक लगे वो। तो बहुत अच्छा आपने वो विचार दिया, मुझे लगता है वो पूरे हमारे इस बातचीत का एक सार यही है कि जो सही चीज है उसका मुहूर्त जब निकले तब कर लेना चाहिए, दिमाग में कोई विचार सदविचार आ रहा है तो वो। और परिवार में मैं कहता हूँ कि ऐसे नारी शक्ति हो, पत्नी के साथ हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, वो तो खैर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो भारत के लोगों के लिए प्रेरणा बनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद भारत के लिए तो लोगों को पता नहीं है भाई, सच में तुम्हारे जैसे हो जाए बहुत है वही